हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग। मेरा नबील है। तीन अपडेट्स जो है यहाँ पे मेरे पास तीन फोन्स में आई हुई है। दो है iOS 17 के RC वर्जन, एक पब्लिक बेटा डेवलपर बेटा वाली, और यहाँ पे है iOS 16.7 का एक बेटा वर्जन जो कि मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा आपसे। फिलहाल इस वीडियो के अंदर इन दो अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। RC वर्जन है यानी कि जो फाइनल स्टेबल वर्जन होता है iOS 17 का, वो यहाँ पे हमारे पास पहले ही आ गया है आप सबको। अगर आपने बेटा वर्जन डाउन इंस्टॉल नहीं किया है तो 18 सितंबर की रात को देखने मिलेगा इंशाल्लाह। सबसे पहले हमारी वीडियो ही आपको जो है यूट्यूब पे देखने मिलेगी, और सबसे पहले नई भी देखने वाली सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेटिव तो वीडियो हमारी होती है, इसलिए आप लोग इतना सपोर्ट भी करते हैं। तो यहाँ पे इस वाले अपडेट में क्या कुछ खास है, क्या नया है, 6.5 GB के आसपास का अपडेट क्यों है, और इस अपडेट को करने के बाद क्या आपको फाइनल स्टेबल वर्जन मिलेगा या फिर ये अपडेट नहीं करना चाहिए और फिर आपको फाइनल स्टेबल वर्जन मिलेगा, क्या यही फाइनल स्टेबल वर्जन है, सभी सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा। और बेटा वर्जन से स्टेबल वर्जन पे कैसे जाना है वो भी बताऊंगा, क्योंकि मैंने आपको वादा किया था, हर साल आपको वादा करता हूं कि जिंदगी रही तो बेटा वर्जन से आपको स्टेबल वर्जन पे जरूर लेके जाऊंगा। तो जिंदा में रह गया इसलिए मैं आपको बेटा से स्टेबल पे भी लेके जाने का तरीका बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे एक बात बता देता हूँ कि ये फोन जो है मेरा है iPhone 14 Pro Max, ये है iPhone 14, इस पे चल रहा था बेटा वर्जन जो कि पब्लिक बेटा वर्जन था, इस पे चल रहा था डेवलपर बेटा वर्जन। अब यहाँ पे जो अपडेट साइज आया है दोनों में थोड़ा सा फर्क है। 14 Pro Max पे आया है डेवलपर बेटा के साथ RC वर्जन iOS 17 का 6.32 GB का, और पब्लिक बेटा वाले फोन के ऊपर आया है 6.19 GB का। अपडेट से पहले जो दोनों फोन है उनके ऊपर iOS 17.0 ही चल रहा था, अभी भी वही चलेगा। अवेलेबल फ्री स्पेस 14 Pro Max पे 700 GB थी और iPhone 14 पे 484.8। अपडेट से पहले का बिल्ड नंबर दोनों में एक्जैक्टली सेम था, पब्लिक और डेवलपर बेटा में, जिसके एंड में ए था। और अपडेट से पहले का जो मोडेम फर्मवेयर था दोनों ही डिवाइसेस में वो था 2.08.02। अपडेट के बाद यहाँ पे दोनों ही डिवाइसेस में अवेलेबल फ्री स्पेस जो है 1 से लेके 2 GB के बीच में बढ़ गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर 5-10 GB कम हो जाती तो फिक्र करने की बात थी, लेकिन अभी यहाँ पे बढ़ गई है तो बेफिक्र होकर आप ये अपडेट कर सकते हैं इस मामले में एटलीस्ट। अब अपडेट के बाद का यहाँ पे जो बिल्ड नंबर है वो देख सकते हैं एक्जैक्टली सेम है, 21A329, यानी कि जो पब्लिक बेटा है और जो डेवलपर बेटा है दोनों के ऊपर जो अपडेट आई है वो एक्जैक्टली सेम है। इसलिए जो पब्लिक बेटा वाला फोन है ये मैं साइड में रख देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, और जो डेवलपर बेटा वर्जन है या पब्लिक बेटा वर्जन है जिसके अंदर RC वर्जन आया iOS 17 का वो एक्जैक्टली सेम है, इसलिए एक ही डिवाइस पे हम बात करेंगे अभी। तो iOS 17 का जो RC वर्जन है जो कि आप फाइनल स्टेबल वर्जन बोल सकते हो, अगर एक आध अपडेट कोई और एप्पल ने पुश किया तो अलग बात है, अदरवाइज RC एक ही आता है, उसके बाद जो है फाइनल स्टेबल वर्जन आता है। अगर कोई और आएगा तो मैं बताऊंगा, छोटा मोटा चेंज रहेगा, छोटा मोटा बग फिक्स रहेगा उसके अंदर। अभी इसके अंदर काफी कुछ नया है वो देख लेते हैं। वैसे तो देखिए यहाँ पे लिस्ट जो है बहुत लंबी है और इतने सारे नए फीचर्स जो है iOS 17 में आपको देखने मिलेंगे, जो कि जो फाइनल वर्जन की वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें सारे फीचर्स आपको बता दूंगा ताकि आप ज्यादा अच्छे से समझ पाए। पहले ही बना चुका हूं, फिर से बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे जो इसके अंदर न्यू आया है इस RC वर्जन के अंदर वो बता देता हूं मैं आपको। तो सबसे पहले चलते हैं आईफोन की सेटिंग के अंदर, यहाँ पे मैं लाइट मोड डाल देता हूँ ताकि इजिली आप देख पाए। यहाँ पे साउंड एंड हैप्टिक्स में चले जाते हैं, और यहाँ पे हैप्टिक्स में चले जाते हैं तो यहाँ पे आपको हैप्टिक फॉर रिंगटोन एंड अलर्ट के ऑप्शंस देखने मिलेंगे, जहाँ पे ऑलवेज प्ले का ऑप्शन है, यानी कि अगर आपका फोन किसी भी मोड में हो तो हैप्टिक फीडबैक आपको मिलते रहेगा अलर्ट्स और रिंगटोन के लिए। अगर आप चाहते हैं कि साइलेंट मोड में ही जो है आपका फोन वाइब्रेट करे, हैप्टिक फीडबैक दे, तो वो कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि साइलेंट मोड में ही नहीं दे तो वो भी कर सकते हैं, बाकी सभी मोड में होगा। और नेवर प्ले करेंगे तो सारे हैप्टिक्स आपके ऑफ हो जाएंगे जब आपका फोन का रिंगटोन बजेगा या फिर कोई भी अलर्ट आएगा। तो इसको फिलहाल मैं ऑलवेज प्ले पे रख देता हूं, ये नई सेटिंग आई है यहां पे। अब अगला यहां पे जो वेलकम चेंज आया है iOS 17 के RC वर्जन में वो है नए रिंगटोन्स के साथ। तो यहां पे आप क्लासिक में जाएंगे तो आपको सारे पुराने रिंगटोन्स जो है आपके देखने मिल जाएंगे, जो ये ओपनिंग वाला आपका रिंगटोन है वो, लेकिन अब जो नए रिंगटोन्स आए हैं वो यहां पे देख सकते हैं, इसकी पूरी लिस्ट यहां पे आपको देखने मिल जाएगी। तो यहां पे ये पहला एक रिंगटोन आया है, फिर उसके बाद ये एक है, फिर ये है, फिर ये, फिर ये, इस तरीके के काफी सारे रिंगटोन्स यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे। मैं इसका कोई फैन नहीं हूँ, जो अपनी सिंपल से रिंगटोन है वही मैं रखता हूँ, लेकिन आप रखना चाहे तो रख सकते हैं ये सारे रिंगटोन। और यहाँ पे कस्टम रिंगटोन्स मैंने कोई लगा के रखा था, उसका वीडियो बनाया, एप्पल ने स्ट्राइक दे दिया तो वीडियो अपनी हट गई, मैं फिर से वीडियो बनाने वाला नहीं हूं। करना चाहे तो आप कर सकते हैं, बाकी टोन स्टोर में एप्पल सेल करता है रिंगटोन, इसलिए वो गुस्सा हो जाता है जब हम बताते कोई और मेथड। इसी के साथ नए टेक्स्ट टोन भी जो है आपको देखने मिलेंगे, ये अपना डिफॉल्ट वाला है, लेकिन आप चाहे तो ये सारे रख सकते हैं, जैसे ये नया है, फिर ये है, मैं तो यही वाला रखने वाला हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं पुराने वाले आपको टोन्स मिले तो ये क्लासिक में आपको सारे देखने मिल जाएंगे। साउंड एंड हैप्टिक्स में ही आप नीचे चले जाएंगे सबसे, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा चेंज देखने मिलेगा, इधर उधर टेक्स्ट और इधर उधर सेटिंग्स एप्पल करते रहता है, तो हेडफोन सेफ्टी और पर्सनल स्पेशल ऑडियो यहाँ पे आपको बॉटम में देखने मिलेगा। अगर आपके कंट्री में क्लीन एनर्जी का ऑप्शन अवेलेबल है तो होम एप्लीकेशन के अंदर आपको क्लीन एनर्जी चार्जिंग वाला ऑप्शन भी देखने मिलेगा आपके होम पॉड के लिए। तो अपने पास तो है नहीं वो, लेकिन आप उस कंट्री में रहते हो यूएस वगैरह में जहाँ पे ऑप्शन होते हैं तो आपको वो भी मिल जाएगा देखने। कैमरा के अंदर कुछ
इंप्रूवमेंट यहाँ पे कर दिया, मतलब एक सेटिंग नहीं आ गई है वो बताता हूँ मैं आपको, सेटिंग में चलते हैं सबसे पहले। और ये जो आईफोन 15 सीरीज आई है, 15 प्रो 15 प्रो मैक्स, उसका जो इवेंट था कल का आपने देखा ही होगा वीडियो, तो उसके साथ जो है ये वाले नए फीचर्स आपको देखने मिलेंगे। तो कैमरा में, सेटिंग में जाते हैं, फॉर्मेट्स में जाते हैं, और यहाँ पे प्रो रॉ एंड रेजोल्यूशन कंट्रोल आपको ऑन रखना है, फिर आपको प्रो डिफॉल्ट में जाना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि HEIF मैक्स करके आपको एक ऑप्शन देखने मिलता है। अब इसको आप यहाँ से ऑन कर सकते हो या फिर आप चाहे तो कैमरा के ऐप से भी कर सकते हो। HEIF के अंदर भी आप 48 मेगापिक्सल की फोटोज निकाल सकते हैं। एक बार कैमरा ओपन करके चेक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं ये नया ऑप्शन जो है आपको देखने मिल रहा है, और इसको आप टैप करके ऑफ या ऑन कर सकते हैं। रॉ अगर मैक्स फोटो लेना है आपको तो वो पॉसिबल है, इसको ऑफ करेंगे तो वो प्रो रॉ मैक्स वाला जो ऑप्शन है वो डिसेबल हो जाएगा। और इस ऑप्शन को अगर आप करेंगे लॉन्ग प्रेस ऐसे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं HEIF मैक्स का ऑप्शन आ गया, 12 मेगापिक्सल प्रो रॉ का ऑप्शन आ गया, और रॉ मैक्स का ऑप्शन आ गया। तो HEIF मैक्स में लेना है तो HEIF मैक्स यानी कि फुल 48 मेगापिक्सल का जो इस्तेमाल है फोटोज के लिए आप कर पाएंगे। तो ये अच्छा अपडेट एक दिया एप्पल ने। अगर आप iCloud प्लस सब्सक्राइबर हो तो आप जानते हैं कि 50GB 200GB 2TB के ऑप्शंस है, लेकिन इसके अलावा और भी बड़े ऑप्शंस जो है अब आपको देखने मिलेंगे। कल ही इवेंट में एप्पल ने अनाउंस किया था, तो ये ऑप्शंस के साथ भी आप जा सकते हैं। आई जस्ट होप कि ये जो है 50GB वाला इसको भी एप्पल अपग्रेड कर दे। 75 rupees पर मंथ वाला वैसे इनफ होता है व्हाट्सएप का बैकअप वगैरह बनाने के लिए, लेकिन और चाहिए आपको तो यहाँ पे दूसरे ऑप्शन जो है वो काफी महंगे हो सकते हैं। रिलीज नोट्स एप्पल ने इस वाले अपडेट के जो है अभी तक पुश नहीं किया है, तो यहाँ पे कुछ जरूर बग्स होंगे अभी भी जो फ्यूचर में आने वाले अपडेट्स का एप्पल फिक्स करेगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पे कोई रिलीज नोट जो है एप्पल ने मेंशन करके नहीं दिया या रिलीज नहीं किया इस पर्टिकुलर अपडेट के लिए। बाकी दोस्तों नेटवर्क परफॉर्मेंस, वाईफाई, ब्लूटूथ, एयरड्रॉप, ये सारी चीजें अच्छी है, और स्ट्रॉन्गर नेटवर्क परफॉर्मेंस अगर यहाँ पे एप्पल दे पाए तो अच्छी बात होगी, लेकिन फिलहाल मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ, और डिपेंड करता है आपके कैरियर पे भी। और बाकी यहाँ पे मैंने जो है eSIM वाला सेटअप करके रखा है एयरटेल का, तो कोई इशू नहीं है मुझे, सब चीज जो है सही तरीके से काम कर रही है। बाकी बैटरी लाइफ की बात करें दोस्तों, तो अभी जो है इसके बारे में बात करना बहुत ही ज्यादा अर्ली हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने जो अपडेट डाउनलोड इंस्टॉल की है रात में, इवेंट की तैयारी थी, वीडियोस बना रहा था, तो इतना मैं इसको इस्तेमाल नहीं कर पाया। देख सकते हैं आप स्क्रीन एक्टिव टाइम काफी कम है। बैटरी लाइफ iOS 17 में इतनी ग्रेट नहीं है, 14 प्रो मैक्स होने के बावजूद मैं ये बात आपको बोल रहा हूं। पहले दो दो दिन की बैटरी लाइफ मिलती थी, लेकिन अभी एक से डेढ़ दिन की मिलती है। थोड़ी और बेटर बैटरी लाइफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब स्टेबल वर्जन के कुछ और वर्जन जो है हमारे सामने आ रहे हैं, फिलहाल बैटरी लाइफ इज ओके ओके। अब गाइस बात कर लेते हैं कि आपको iOS 17 के RC वर्जन पे जो है अपडेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। देखो अगर आप डेवलपर बेटा या पब्लिक बेटा पे हो तो आपको ये वाला अपडेट डाउन इंस्टॉल कर लेना चाहिए, क्योंकि कोई रीजन नहीं है इसको इंस्टॉल नहीं करने का। और कैसे आप जा सकते हैं बेटा वर्जन से स्टेबल वर्जन पे, भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये जो iOS 17 का RC वर्जन होता है ये एक्चुअली स्टेबल वर्जन ही होता है, जो लोग बेटा वर्जन पे होते हैं उनको स्टेबल वर्जन जो है पहले पुश किया जाता है, मतलब 18 तारीख को सभी को मिलेगा, तो हमको जो है 12 तारीख की रात को या 13 तारीख की सुबह में ही जो है ये अपडेट देखने मिल गया, ताकि हम इसको चेक करें, टेस्ट करें, और इसमें कोई प्रॉब्लम आएगा तो एक और RC वर्जन एप्पल पुश करेगा। तो कैसे जा सकते हैं आप स्टेबल वर्जन से बेटा वर्जन पे, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, अगर आप बेटा वर्जन पे अभी हो, स्टेबल वर्जन आपने डाउनलोड इंस्टॉल नहीं किया है, तो आपकी सेटिंग जनरल सॉफ्टवेयर अपडेट में चले जाओ, और यहाँ पे आपके जो बेटा अपडेट्स है इसमें डेवलपर बेटा, पब्लिक बेटा, जो भी आपने सिलेक्ट किया हुआ है वो सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे ये वाला अपडेट आ जाएगा, इसको डाउनलोड इंस्टॉल कर लो, आप जो है यहाँ पे स्टेबल वर्जन पे आ गए अपने आप ही। एक बार आपने RC वर्जन का इंस्टॉलेशन कर लिया और 18 तक वेट किया और एक RC वर्जन नहीं आया, तो इसका मतलब ये है कि आप स्टेबल वर्जन पे आ चुके हो। लेकिन एक और RC वर्जन आता है, उसकी वीडियो मैं बनाऊंगा, तो उसको भी डाउनलोड इंस्टॉल कर लेना, और जब फाइनल स्टेबल वर्जन आएगा उसके बाद आपको बेटा वर्जन के अपडेट्स नहीं चाहिए, स्टेबल वर्जन के ही अपडेट्स चाहिए, तो बेटा अपडेट में जाके इसको आपको ऑफ कर लेना है। अब बहुत लोग मुझे बोलते हैं हमने एनरोल किया था लेकिन यहाँ पे बेटा अपडेट्स का ये ऑप्शन हमको नहीं देखना है। भाई हर चीज आपके हिसाब से नहीं चलेगी, यहाँ पे ये ऑप्शन दिखाते रहेगा, कभी फ्यूचर में आपको डेवलपर बेटा या पब्लिक बेटा पे जाना है तो आप जा सकते हैं, अदरवाइज इसको ऑफ रख लेना। 18th के बाद की बात कर रहा हूँ, 18th के पहले नहीं करना है आपको ये चीज, और 18th के दिन मतलब 18th की सुबह को मत करना, 18th की रात को इंडिया के अंदर जो है अपडेट आता है, तो उस रात में आपको जब मैं वीडियो बना के बता दूंगा सेटिस्फाई हो जाएंगे और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा उस टाइम पे, उसके बाद जो है उसको ऑफ कर देना। iOS 17 RC वर्जन की ये तो कहानी आप समझ गए दोस्तों। अब यहाँ पे एक और अपडेट आई हुई है जो कि है iOS 16.7 RC। अब ये एप्पल ने क्यों पुश किया है, क्यों रिलीज किया है, अगले वीडियो में आपको समझाता हूँ, क्योंकि ये वीडियो बेकार में लंबा होते जा रहा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपका आज का वीडियो पसंद आएगा, पसंद वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।